आज का टॉपिक है और इधर आपका। सर 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 एक चीज बताओ सर, हाँ ये जो मॉडल का वेराई पेपर पेपर होंगे ये खाली 2 सब्जेक्ट के होंगे? नहीं नहीं बेटा, ये वीक में शेड्यूल किए गए, एक वीक में दो कर दिए शेड्यूल, अभी फिलहाल अगले वीक में भी होंगे, लगातार होंगे ना ये तो। कैसे होंगे, एमसीक्यू? बट हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चन लगभग होंगे सब में, और अच्छा 40 मिनट का टाइम शायद दिया जाएगा आप लोगों को। अभी आ जाएगा पूरा और गूगल शेड्यूल। पे, गूगल पे मिल जाएंगे? अरे नहीं, मूडल मूडल आंसर की बात कर रहा हूँ सर, आंसर गूगल पे मिल जाएंगे? आंसर आप लोगों के दिमाग में होंगे। हाँ सर, ये जी, जो मॉडल पे टेस्ट होंगे वो जो अभी वीकली में जो पढ़ाए गए हैं उनके बेस पे होंगे या पुराना भी आ सकता है सर? पुराना भी आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ठीक तो पुराना भी आ सकता है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, नहीं तो टाइम, फिर मेरी फाइनल ईयर में भी क्लास है इसके बाद। फिर अब मैं फाइनल ईयर में भी क्लास ले रहा हूँ मैं, बताया तुम्हें? है। हाँ सर मुझे बताया सर, कल बीस बच्चे आए थे शाम को। सर मुझे बताया सब क्लासेस मिल लेते। मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुशखबरी है तब तो मिठाई बटाओ सर। इसीलिए है क्योंकि अच्छा अभय को फाइनल ईयर में भी क्लास ले रही है ना, ये सोच रहा हो ना लेना हो शायद। चलिए पंपिंग लीमा स्टार्ट करते हैं, ये जरा नोट कर लीजिए सब लोग। पंपिंग लीमा इज यूज्ड टू शो दैट गिवन लैंग्वेज इज नॉट ए सीएफएल। ये नेगेटिव शो करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज एल वी ए सी एफ एल लैंग्वेज, देन वी कैन फाइंड ए नेचुरल नंबर एन सच दैट। एक लैंग्वेज है हमारे पास, एक लैंग्वेज है जेड स्ट्रिंग, ये एल में बिलोंग करती है। कंडीशन ये है कि जेड की लेंथ जो है वो एन से ज़्यादा और उससे एन और एन से ज़्यादा हो सकती है। अब हम डब्लू को किस फॉर्म में लिखते हैं? अभी जब वो वाला पंपिंग लीमा था रेगुलर लैंग्वेज वाला, उसमें हम डब्लू को कैसे लिखते थे? एक्स वाई जेड, और एक्स बाद में वाई को पंप करते थे, इसको प्रूफ करते थे एल में नहीं है। इसमें क्या है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स, यू वी डब्लू एक्स वाई। और ये होता किस तरह से है, इसमें वी एक्स की जो वैल्यू होती है, वी एक्स मतलब वी एक्स कंबाइंड करके उसकी जो लेंथ होती है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को कंबाइंड करके जो लेंथ होती है वो कभी भी नल नहीं हो सकती है, एक से ज़्यादा होती है, ये नल वी एक्स जो है वो नल नहीं हो सकता है। दूसरा वी डब्लू एक्स, वी डब्लू एक्स ये वाला पार्ट, ये आपका एन और एन से छोटा हो सकता है, मतलब एक से लेकर एन तक, एक से लेकर एन तक हो सकता है। ये कौन सा, वी डब्लू और एक्स जो है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, एन। अब हम इसमें पंपिंग लीमा लगाते हैं, इस वाले पार्ट में देखो हम वाई को पंप करते थे, एक पार्ट को पंप करते थे, इसमें दो पार्ट को पंप करते हैं, बी को और एक्स को, इन दो पार्ट को इसमें पंप करते हैं। सो और के की वैल्यू क्या हो सकती है, ये कितनी बार पंप कर सकते हैं, मतलब बी की वैल्यू के जीरो, मतलब के की वैल्यू जीरो का मतलब है कि यू डब्ल्यू वाई, के वन के के टू का मतलब है यू वी वी डब्ल्यू एक्स एक्स, के इजिकल टू टू का मतलब क्या है ये थोड़ा क्लियर कर लें। के के इजिकल टू अगर जीरो रखते हो आप तो आता है यू डब्ल्यू वाई, और के इजिकल टू टू रखते हो तो आता है यू वी वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई, ये मतलब है। दैट इज कॉल्ड पंपिंग, पंपिंग विद के इजिकल टू टू, पंपिंग विद के इजिकल टू जीरो। अब हम हेलो, अब हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस पर क्वेश्चन हमारा है, प्रोसीजर नोट कर लीजिए, प्रोसीजर क्या है इसका, ये स्टेप नोट करिए, इन्हीं स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में आपको सॉल्व करना है। अगर आप ये लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो आपका पंपिंग लीमा का क्वेश्चन गलत भी कर सकता है इवेल्युएशन वाला, और इसमें नंबर भी कम कर सकता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप लैंग्वेज लिखोगे, एज्यूम L इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, लेट N बी द नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड बाई यूजिंग पंपिंग लीमा। स्टेप 2, चूज Z बिलोंग्स टू L, ए स्ट्रिंग Z, Z एक स्ट्रिंग है, इट बिलोंग्स टू L एंड Z की लेंथ कितनी है, N से ज़्यादा। अब Z को हम किस में लिखेंगे, U D U V W X Y,
UVWXY यूजिंग पंपिंग लीमा, इसमें एन क्या है, एन पंपिंग लीमा के द्वारा लाया गया कॉन्स्टेंट है। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, हम के की एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इस के लिए के की एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो कि रेंज करता है 0 से लेकर एन तक, 0 से लेकर 1, 2, 3 सो ऑन। सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहां पर वी और के, बी और एक्स के लिए के की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, और के की वैल्यू पुट करने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको। अगर हम के इक्वल टू 3 लिख रहे हैं, इट मींस क्या हुआ, यू वी 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 डब्ल्यू एक्स 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 वाई बिलोंग वाई, ये हुआ। अब हमें प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिंग जो है इसमें बिलोंग नहीं करेगी, ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो है ए की पावर एन, क्वेश्चन नोट करिए, एल इज इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, सच दैट एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सी एफ एल, ये हमें प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से सॉल्व करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको ये तरीका समझ में आ जाए। और मैं बता रहा हूँ इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको लिखना स्टेप बाय पड़ेगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टेप वन, लेट W इज ए सी एफ एल, लेट L लैंग्वेज दिए तो L लिख दो आप, L इज ए सी एफ एल, L आएगा यहां पे, लेट L इज ए सी एफ एल, एंड N इज ए नेचुरल नंबर, N इज ए नेचुरल नंबर, फाइंड आउट थ्रू फाइंड आउट यूजिंग पंपिंग लीमा। और क्या बताया था मैंने फिर आपको, इसमें आपको एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी W, जो हमने ली मान लीजिए A की पावर N, B की पावर N, C की पावर N, और ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये मॉड क्या बताता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो W क्या हो जाएगा, 3n, ये क्या है, n से बड़ी है, जो हमने अभी आपको लिखवाया था, देखें तो आप देख सकते हैं लेंथ क्या होनी चाहिए, n से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे W इक्वल टू U V, W इसमें लिया था क्या हमने, अच्छा W लिया था तो इसे Z लेना पड़ेगा, फिर इसको Z लेना पड़ेगा क्योंकि W हम ले चुके हैं, इसको Z लेना पड़ेगा, U V W X Y, इसलिए Z ले रहे हैं। Z लेने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, Z आप कोई भी नाम ले सकते हो, Z हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि W हम इसमें ले चुके हैं, U V W X Y, पांच पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5, और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सच दैट वी एक्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, और वी डब्ल्यू एक्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 1, ये ध्यान आपको ध्यान में रखनी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आप चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कैसे, अब हमें स्टेप टू हो गया ये, स्टेप थ्री में क्या करते हैं, हम स्टेप थ्री में के की कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि जेड हमने कोई लिया, यू वी की पावर के डब्लू एक्स की पावर के वाई, लेकिन आप ये देखिए कंडीशन क्या है कि वी डब्लू एक्स इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, बताइए कितनी होगी, बी डब्ल्यू एक्स की लेंथ,
लेंथ ऑफ वी डब्ल्यू एक्स, ये मैं हटा दे रहा हूँ अभी, एक रुकिए, ये वाली चीज हटा रहा हूँ, क्या कह रहे हो? हेलो, बी डब्ल्यू एक्स की लेंथ कितनी होगी? बी डब्ल्यू एक्स की लेंथ कितनी होगी? कितनी हो सकती है? अरे भाई ये लिखा तो है यहाँ पे, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एन। और वी एक्स की लेंथ कितनी हो सकती है? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब हमें क्या करना है, अब आप ये देखिए कि अगर हमने जेड जेड को लिया है ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, तो इसकी लेंथ, इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी? थ्री एन। तो ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन को किस में कन्वर्ट करना है आपको? यू वी डब्ल्यू एक्स। अब यहीं पे थोड़ा सा थॉट है, यहाँ थॉट है आपके पास, क्वेश्चन यहीं पे है, वो क्वेश्चन क्या है, यही सोचना है, हर क्वेश्चन में यही थर्ड पार्ट में ही चेंज होगा, थर्ड पार्ट में ही लॉजिक लगाना है। अब देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा मुझसे। बी और एक्स, क्या इसमें तीनों हो सकते हैं एक साथ? कैन हैव ए बी सी टुगेदर, कैन हैव बी सी टुगेदर, कैन हैव ए बी टूगेदर, क्योंकि वी एक्स की लेंथ, अब यहां देखिए वी और एक्स नल नहीं हो सकता है, वी डब्ल्यू एक्स की लेंथ एन हो सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, वी डब्ल्यू एक्स की लेंथ एन है और वी एक्स नल नहीं हो सकता है, इस मीन्स डब्ल्यू नल हो सकता है, तो वी एक्स की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी? एन। इस बात को जरा ध्यान से समझिए, वी एक्स नल नहीं हो सकता है, वी एक्स जो हमने लिखा है ऊपर, यहां देखिए ध्यान से, और वी डब्ल्यू एक्स की लेंथ एन हो सकती है, अगर डब्ल्यू को मैं नल कर दूं तो वी एक्स की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एटमोस्ट एन हो सकती है। अब एटमोस्ट एन हो सकती है तो इसमें तीनों सिंबल आ सकते हैं क्या एक साथ? कोई बच्चा बताए मुझे कि ए बी सी तीनों एक साथ आ सकते हैं क्या बी एक्स में? हाँ भाई, अरे बोलो कुछ, कोई बच्चा बोले इसमें बताए, क्या बी एक्स में तीनों एक साथ आ सकते हैं? अरे बोलो भाई, तब तो मैं कुछ समझूंगा, कुछ समझ रहे हो? अभ्युदय, कशिश, यस सर, आ सकते हैं? माधवम, माधवम सर, हेलो, हाँ आ सकते हैं बेटा, हेलो, हाँ बोलो बोलो, तीनों एक साथ आ सकते हैं? आ सकते हैं, दोबारा से देखो बेटा, दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात समझिए, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझिए जरा, वी एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम? एन, एन ठीक है, और वी डब्ल्यू एक्स नहीं, और वी डब्ल्यू एक्स की वैल्यू कितनी ली है हमने? एन। अगर आप तीनों एक साथ ले रहे हो, इट मींस ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, तो आपको अगर तीनों एक साथ लोगे तो इसको, इस बाउंड्री को पार करना पड़ेगा आपको? नहीं, यस सर, किसी एक बाउंड, दो बाउंड्री को पार करना पड़ेगा। जब दो बाउंड्री को पार करोगे, दो बाउंड्री को पार करोगे, मान लो इसमें से आपने एक ले लिया, इसमें से आपने एक ए ले लिया, अगर सी लेने के लिए आपको ये पूरी बाउंड्री पार करनी पड़ेगी बी की,
तो कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी, एन प्लस टू, एन प्लस टू भाई समझो ना। आप अगर अगर मान लीजिए आप सी इधर से उल्टा चल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सी और बी, तब भी आपको एक बाउंड्री तो पार करनी पड़ेगी ना एन की। अगर एक बाउंड्री पार करोगे एन की तो जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एन से ज्यादा हो जाएगी। इट मीन्स ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन में हम इतना कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं। रीजन है, तीनों को एक साथ लेने के लिए ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा चलना पड़ेगा इधर या इधर, तो उससे क्या होगा आपका ये n प्लस हो जाएगा, कुछ ये n प्लस रहेगी, और इनमें से कुछ पार्ट आधा इसमें से आधा, इसमें तो n हो सकता है, इसमें से आधा n हो सकता है, ये हमारे ऊपर चॉइस के ऊपर है। मगर लेकिन तीनों को एक साथ नहीं ले सकते आप, इसमें सब लोग कितने एग्री हैं मेरी बात से, मेरे बात से कितने लोग एग्री हैं? Yes, देखिए आपको जो स्ट्रिंग थी ए की पावर एन, जो नहीं समझ, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा सुने, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, कौन एडमिट हो रहा है, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन को पांच पार्ट में डिवाइड करना है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और इसमें वी डब्ल्यू एक्स एन हो सकता है मैक्सिमम, v और x नल नहीं हो सकते, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होते हैं, और w नल कर दोगे तो bx की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n, और हमें जो पंपिंग लीमा लगाना है वो लगाना है u b की पावर k w x की पावर k y, v और x निकालना है। अगर मैं इसको नल भी कर देता हूं w को, तो b k की, इस b और x का मुझे पता करना है कि b और x में आ क्या रहा है, हमें ये पता करना है कि b और x में आ क्या रहा है, हमें ये पता करना है, तो b और x में क्या आ सकता है हम ये पता कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये कोई ये वाला देखिए मार्क जो मैंने बनाया था, ये a की बाउंड्री है, ब्लैक पेन लेता हूँ, ये a की बाउंड्री है, ये b की बाउंड्री है, ये c की बाउंड्री है। अब आप चेक करिए, अगर आपको a और लेना है, और तीनों लेने हैं, मान लीजिए a लेना है आपको, ए लेना है और सी लेना है और बी लेना है, तीनों लेने हैं, तो तीनों लेने के लिए सीक्वेंस में ही तो जाओगे आप। मान लीजिए एक ए ले लिया, इसमें से एक ले लिया सी, लेकिन जो पूरा बी तो चलना पड़ेगा, सीक्वेंस से अलग तो ले नहीं सकते आप, तो बी की पावर एन लेना पड़ेगा, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, एन प्लस टू, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि बी एक्स की लेंथ कितनी होती है, एन। इट मीन्स हमारा ये वाला पार्ट नहीं हो सकता है, या तो बी सी होंगे इसमें या ए बी होंगे, या तो ये वाली बाउंड्री ले सकते हैं या ये वाली पार नहीं कर सकते। बाउंड्री पार करते ही अगर तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा लेंथ जो है बी एक्स का वो एन प्लस टू हो जाएगा। इसीलिए क्या कर सकते हैं हम, या तो बी सी का कॉम्बिनेशन लें या ए बी का, मतलब एटमोस्ट दो सिंबल को एक साथ ले सकते हैं। दो सिंबल को एक साथ कैसे ले सकते हैं, इसमें तो n by 2 ले लिए, इसमें से n by 2 ले लिए, इसमें से n minus 3 ले लिए, इसमें से 3 ले लिए, ऐसे कर सकते हैं, n minus 3 a ले लिए, 3 b ले लिए, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन पूरा एक साथ नहीं ले सकते तीनों को। जब पूरा आप एक साथ नहीं ले सकते हो तो अब आप जरा मुझे बताइए कि आपका जो केस है, तीन केस बन गए आपके, ये आप ले नहीं सकते, ये दोनों ले सकते हो। अगर ये दोनों ले सकते हो तो आप बताइए मुझे u b की पावर 2 w x की पावर 2 y ये बिलोंग करेगा कि फॉर k इज इक्वल टू 2 करते हैं, तो क्या ये बिलोंग करेगा l में कि नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो b और x में क्या थे, या तो a और ab की स्ट्रिंग होगी या bc की स्ट्रिंग होगी, तो इस वाले केस में c मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस क्या है हमारा, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, और इस वाले केस में ए मिसमैच हो जाएगा, इक्वल नहीं रहेगा, तो ये बिलोंग नहीं करेगी। यू वी की पावर टू डब्ल्यू एक्स की पावर टू वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एल, और ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन।
कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इट मींस दिस इज नॉट ए गिवन लैंग्वेज, एल इज नॉट ए सी एफ ए. समझ में आ गया? अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि सर हम एक छोटी मोटी स्ट्रिंग ले लें, जो किताब कुछ जो लोकल किताबें हैं उसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ होता है कि सर ए बी सी ले लिया, ए ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लिया, इस तरह से आप सॉल्व करोगे आपके नंबर कट जाएंगे. आपको जनरल केस जो कॉन्सेप्ट है, जनरल केस बनाना है आपको. इसे मैंने अभी जनरल केस बताया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. जनरल केस बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. अब तीन केस बनाए, इसमें ये है ही नहीं, हमें पता ही आएगा ही नहीं. इसीलिए ये सी एफ एल लैंग्वेज नहीं है. सब बच्चों को समझ में आ गया? यस सर. यस सर. एक बार नोट कर लीजिए पूरा, मैं एक बार छोटा कर देता हूँ इसको साइज को, जिससे कि एक साथ आपके पास है. ये नोट्स मैंने भेजे हैं आपके, ये आपको मैंने एक मेल भेजा था, उसमें हैंड एच डब्ल्यू नोट्स के नाम से फोल्डर है, उसमें हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो जो 2017 में डाले गए थे, मेरे स्टूडेंट ने डाले थे एक ने. इसे एक बार नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए. 5 मिनट का टाइम है आपके पास.